रोड देखो क्या लबालब भर गया यार दिल्ली में ना, वाकई में जो रोड है उलझ पुलझ है। तो दोस्तों नई दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल राइड का आज मेरा 8वां दिन है और पिछले 3 दिनों से मतलब मैं घर पे रुका था और जो मेरा बैंक वगैरह का काम था, क्योंकि एक तो आधार कार्ड निकलवाना था और दूसरा बैंक में नंबर अपडेट करवाना था, तो वो काम में बिजी हो गया क्योंकि फ्राइडे को मैं घर पहुंचा था और सैटरडे संडे को तो छुट्टी रहती, तो 2 दिन बचे थे और आज मंडे हो गया। तो अभी निकले अपना पूरा सेटअप करके, ये देखिए। और जब मैं कश्मीर से हरियाणा तक पहुंचा तो मेरा सेटअप कुछ और था, और अब मैं हरियाणा से कन्याकुमारी की ओर निकला हूँ तो मेरा अपना सेटअप था जिसको मैं मिस कर रहा था। ये मेरे जो पैनियर बैग थे और बोर्ड जो टूट गया था उसको भी चिपका दिया फेविक्विक से। ये बैग आ गया, हेलमेट आ गया और आगे मतलब अब मेरे को लग रहा है कि हाँ अब पूरा सेटअप है एक साइकिल राइड का। आगे टेंट आ गया, ये अपना जिसमें मैं चार्जर वार्जर पावर बैंक रखे हैं, इधर में अपना गोप्रो, ये साथ नहीं दे रहा यार। अगर ये साथ देता रहता ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ये कभी भी ऑटोमेटिक हो रखा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता कभी भी किसी भी टाइम। अभी मैं निकल चुका हूँ हरियाणा से, आज एंटर कर जाएंगे दिल्ली में और उसके बाद फिर देखो कहाँ क्या से क्या रुकने का होता भाई। बाकी अभी का सीन ये है, धूप निकली है एकदम मस्त। बाकी जिस टाइम मैं अयोध्या के लिए निकला था, ये जो KMP वाला एक्सप्रेसवे है यहाँ से होते गए बोलेगी और दिल्ली यहाँ से 30-35 किलोमीटर भी है KMP के बाद में। और अभी दिए सिंगू बॉर्डर जैसे एंटर करेंगे तो दिल्ली एंटर हो जाएंगे। भाई साहब समझ में आ रहा गाड़ी वाले कहाँ किधर से घुसा रहे यार। जय भोले की, आ जाओ मिल लेते भाई भाई आते आगे। पिछले 10-12 किलोमीटर के एरिया में ये दूसरे भाई थे जो आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन आज तो मैं यार मूठड़ से ही लिख रहा हूँ, तो आप ही का ही लिख रहा हूँ। बाकी हरियाणा भाई है यार, वो क्या कह रहा है, देशा में देश रहना जितने तू दर दही का खाना, तो लोग इतने बढ़िया मिल रहे हैं भाई। बाकी ठीक है यार, आप ही का आए थे तो भाइयों का दिल तो तोड़ दिया यार मैंने के भाई नहीं खा पाऊंगा। हाँ वाह यार, मौसम बढ़िया रहा है। बाकी आज की जो राइड है वो दिल्ली तो पार करना है यार, जब घरा हो जाना राइड शुरू करनी हो तो लेट हरदम हो जा। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास में निकला मैं घर से, और दिल्ली 48 किलोमीटर दिखा रखा था। बाकी फरीदाबाद पहुँचने की कोशिश करूँगा कि भाई फरीदाबाद तो पहुँच ही जाऊँ, अपने हरियाणा में उल्टा एंटर करूँ। तो दिल्ली में कुछ ऐसा वेलकम हुआ हमारा कि साइकिल में पंचर हो गया, और वो तो शुक्र है कि मैं हाईवे से मतलब जो कट जाता है ना गांव की तरफ, तो उसी कट पे आसपास में था तो बस पंचर हुआ और मैं इधर घुस गया। मैं कहा भाई पहले पंचर लगा लेते क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलती यार, और अपने पास पंप ही नहीं है तो पंप भी लेना, बाकी सारा सामान है। अब भाई लगा रहे हैं यार। आज दिल्ली में बारिश का मौसम हो रखा और मैं पहुंच चुका हूं ये जो बस स्टैंड है ISPT, बस जो बस जाती है ना रोडेज वगैरह वो ऐसे घुमा के ले आती है, और ये देखो इधर में जो खड़ा ना उधर में बस स्टैंड है, तो वो तो क्रॉस कर दिया और हम जा रहे हैं NH 44 होते हुए अब फरीदाबाद की तरफ। यार दिल्ली में ना वाकई में जो रोड है उलझ पुलझ है, मैं खुले बिना तो जाया नहीं जाएगा। बाकी जब तक फरीदाबाद वाले पर नहीं चढ़ लेता जब तीन भी लगे जाएगा कि भाई मैं गलत आ रहा हूँ, एक दो बार तो मैं गलत हो लिया पुल पर चढ़ जाऊँ फिर घूम फिर के उल्टा आना पड़ा है। बाकी दिखा तो है फरीदाबाद NH 2 दिखा दिया, पर मेरा तो NH 44 है, फरीदाबाद तो होते हुए जाना फरीदाबाद पलवल। चलो भाई देखे जाएगी, बाकी चढ़ जाएंगे सही रूट पे एक बार चढ़ते लगड़े पीछे। भाई जी मिले हैं जो कि जा रहे अभी फरीदाबाद की तरफ, और फरीदाबाद जाने के लिए भाई आगे अभी मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये खा लो, ये खराब भी नहीं होगा, ये ड्राई फ्रूट। हाँ ड्राई है ये, कीवी ड्राई है, मैंगो भी है। मैंगो नहीं भाई ये चलेगा, मैंगो दे दो ये चले, ये क्या कीवी है, कीवी चलेगी ठीक है ना, ड्राई है ये चलेगी भाई जी, खराब नहीं होगा। थैंक यू भाई जी, चलेगी वाह। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अफरोज है। अरे वाह थैंक यू भाई जी, वाह यार भाई ने कीवी दिया। घर से आलू के पराठे बांध के लेके आया था,
और 70 किलोमीटर चलाने के बाद में अब मुझे लगा कि एक चाय के साथ में दो पराठे खाए जाए। और उधर में खड़ी है पुत्र रखी साइकिल दिल्ली पार कर दिया, अब फरीदाबाद में आ गए, क्योंकि सारी अचार अचार की गाड़ी दिख ला गई ना, तो यूटी पार हो गया, अब फिर से हरियाणा में आ गए फरीदाबाद। वार है यार, तो बारिश होकर भी जाली, ये जो किनारे किनारे पे देख रहे हो ना ज्वाला हो रखा, इस साइड में सूखा, बाकी मौसम बड़ा गस्त हो रखा यार मस्त। राज रुकने का होगा हमारा जो दोस्त है एसपीडी। देखो बाकी मेरे भाई का फोन आया था तो बोला कि बल्लभगढ़ दो राइट से फोन कर दिए, बल्लभगढ़ यार था 7 किलोमीटर, तो वहाँ जाकर फोन करेंगे और फिर लोकेशन मंगा लेंगे। वाह फरीदाबाद मेट्रो यार, अपने वाड़े भी चले जागा था, मजा नहीं आ जाएगा सोनीपत मेट्रो, बाकी बढ़िया भाई मजा आ रहा चलाते ना। और दिल्ली में जो रोड पर का भाई हालत खराब हुई ना, एक तो इतने सारे रोड समझ में आ रहे कि कौन सा रोड किस जा रहा है, जब तक ये रोड नहीं आया था फरीदाबाद वाला, जब तक मैं सुनू पैदल था मैं। ओके सर ओके, जाओ 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 भाई जा। यार मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, और रोड देखो क्या लबालब भर गया। मैं तो यहाँ से आ गया किनारे किनारे में लगाया, आगे कहीं पानी कम मिलेगा तो, नहीं तो इसमें से आना पड़ता भाई। और देख वाह ये फरीदाबाद का सीन है, ये जो सामने बिल्डिंग बनी है ये है जेसीबी का हेडक्वार्टर, और वहाँ एक जेसीबी खड़ी एकदम नई नवेली। वाह क्या गजब चमक, बड़े मतलब इसका जो लुक है ना बहुत गजब है यार, कलर कॉम्बिनेशन वाओ। ये आ गया अपना दोस्त जो सुगुट्टी बैठा है, देख भाई फरीदाबाद जिंदाबाद। पानी पानी भरा भरा चू कर दे जाए बस, साइकिल कट जा क्योंकि जो बराबर में गाड़ी का दबाई छिटते बेटे भाग ले जल्दी, बाकी आज ही हो ले जो भी होना है क्योंकि अब पहुँचने वाले हैं, और कल ना हो बारिश यार क्योंकि कल पहुँचना है मथुरा, बहुत लंबा सफर कल का भी।